वो देखो सामने लोग किधर खड़े होकर काम कर रहे हैं, कितना ऊपर है भाई वो लोग। फुल जूम कर दिया हमने। टुडेज वीडियो इज अबाउट द मिलियन डॉलर कंस्ट्रक्शन साइट्स दैट इज देयर इन द मुंबई। सो ये भी फिलहाल कुछ तो बन रहा है, अभी पता नहीं अभी ये क्या बन रहा है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज संडे और थोड़ी देर में वीडियो जो है अपलोड होने वाला है, जो मैं इंट्रो बना रहा हूँ वो संडे को बना रहा हूँ। बाय द वे टुडे इज वीडियो इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन मुंबई। इट्स लाइक लग्जूरियस कंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग ऑन। तो ऐसी एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसको मैं कवर कर पाया, और ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए ना यार बहुत जुगाड़ लगता है, मतलब फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड ऐसे ऐसे करके अपने को बस वो कंटेंट मिल जाए, फिर अपने को कितने भी लेवल ऑफ फ्रेंड्स तक जाना पड़े तो वैसा है। तो कंस्ट्रक्शन साइट कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इट्स इंडिया बुल्स ब्लू। सो इंडिया बुल्स ब्लू एक बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट है जो कि इन वर्ली है, जो चल रहा है अपर वर्ली। बिल्डिंग्स तो सब बन गई हैं और चल रहा है बाकी। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेट्स डायरेक्टली गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस। आई विल सी यू गाइस देयर। Here at my friend's place, और मैं अभी कहाँ पे हूँ क्या हूँ वो छोड़ो, आप बस बाहर का साइड देखो, बहुत गजब का है। सो दिस इज INDIABULLS BLU। दिस इज 4 टावर्स A, B, C एंड D। सो दीज टावर्स हैज अ फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 BHK एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 10 BHK। तो थोड़ा सा नॉइस का प्रॉब्लम होगा बिकॉज यार कंस्ट्रक्शन साइट है तो आवाज़ तो आनी बनती है। एंड द बेस प्राइस इज आई गेस स्टार्टिंग फ्रॉम द 6.3 करोड़ प्लस एंड देन इट गोज ऑल द वे अप टू 100 करोड़ प्लस। यस, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसमें। सो वेल, दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन साइट यू कैन सी, एंड आई डोंट नो कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, क्या है क्या नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें देख के मैं गैस कर सकता हूँ, विच इज़ दिस। सो दिस शुड बी द पार्किंग फॉर दीज 2 टावर्स। अभी जहाँ पे मैं करंटली खड़ा हूँ वहाँ से मेरे को ये 2 टावर्स दिख रहे हैं। 3rd टावर इज़ दिस एंड 4th टावर जो है वो और इधर है। सो ऐसा है, ये जो आपको दिख रहा है चीज़, दिस इज़ द एंट्रेंस। वहाँ पे गेट है, वहाँ से ऐसे कार एंटर होती है, यहाँ पे लोग उतरते हैं वापस से कार घूम के बाहर। तो ये एक एंट्रेंस है, वो एक जो आपको दिख रहा है वो एक एंट्रेंस है, फिर उसके बाद 2 एंट्रेंस इधर साइड में हैं जो कि हम अभी नहीं दिखा सकते ना। उसके बाद ये कुछ बन रहा है बीच में, आई डोंट नो क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या बन रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे भी कुछ तो बन रहा है, वो भी आई एम नॉट एबल टू गेस कि वो क्या बन रहा है। प्लस यहाँ पे तो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, यहाँ पे भी कुछ बनेगा वो आपको वहाँ पे जो दिख रहा है कॉर्नर पे, अभी वो क्लोज्ड एरिया है, बट व्हाट आई एम गेसिंग इज कि वो स्विमिंग पूल होना चाहिए। उसके साइड में टेनिस कोर्ट है, देन वहाँ पे एक फुटबॉल कोर्ट है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, तो जब मैं फ्लैट ढूंढ रहा था अपने लिए मैं इसमें देखने गया था, और वहाँ की विंडो से ना वो एकदम डायरेक्ट दिखता है। तो मैंने वहाँ का वीडियो उसी टाइम बना लिया था, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं ये वीडियो बनाऊँगा कभी, बट देन मैंने वो वीडियो बना के रख लिया कि यार कभी ना कभी तो वो काम आ ही जाएगा, और देखो जी आज काम आ रहा है हमारे वो। तो ऐसा ही है, जब भी आपको मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए तो बना लो। तो नाउ ये जो आप क्लिप देखोगे वो है उस बिल्डिंग से। दिस प्रोजेक्ट हैज एवरीथिंग, एवरी एमिनिटी यू कैन थिंक ऑफ। इंडोर पूल है, स्क्वैश है, टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, इंडोर क्रिकेट है, स्पा है, एवरीथिंग। सो वेल, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ द गिव अवे टाइम। सो वेल, ये जो वीडियो था इसका मैंने लिंक लिया था, इसी में सबने जो कमेंट्स किए थे, फिर मैंने यहाँ पे रैंडम पिक में डाला, और यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया रैंडमली पिक विनर पे, तो नम्रता नूथी ये करके आई हैं विनर। इनका कमेंट है अपनी पलटन, आई हैव वॉच योर एवरी वीडियो, आई वॉज देयर फ्रॉम When you had around 1000 subscribers, क्या बात है, फिर तो deserve करती हैं यार ये। Love your vlogs भैया।
सो नम्रता नूती, आई होप कि मैंने सही बोला है नाम. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और आप तो डिजर्व करते हो, और आप 1000 सब्सक्राइबर से देख रहे हो. आप मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर दो. एंड गाइज, द गिव अवे इज स्टिल ऑन. एक हेडफोन्स हमारे पास अभी और बचा है, जो नेक्स्ट संडे को हम किसी को देंगे. तो अब जो मैं कमेंट पिक करूंगा वो इस वीडियो में से करूंगा. तो आप कमेंट में बताओ कि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या आपने पहले से देखा हुआ है. सो या, एंड बाय द वे, वन मोर थिंग, जस्ट कमेंट मी डाउन के ये वाले वीडियोस के अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियोस देखना है तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा. होटल में जाके जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मतलब मैं यूजुअली 5-star होटल्स में जाता हूँ और फिर वहाँ पे मैं चाय लेता हूँ वहाँ जाके बस. एंड आई मेक अ वीडियो कि होटल कैसा दिख रहा है, आप वहाँ पे कैसे आ सकते हो, आपको प्री बुकिंग चाहिए नहीं चाहिए, इस टाइप की बातें पूरा. मतलब अगर आपको एक्सप्लोर करना, अगर आपको जाना है 5-star होटल में, बिकॉज होता क्या है कि लोग वहाँ पे जाने में थोड़ा ऐसे कतराते हैं. कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि यार वहाँ पे ड्रेस कोड है क्या, 2-wheeler से जा सकते हैं क्या, वहाँ पे जाने के लिए कार ही होना चाहिए क्या. और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारे पास पैसे हैं बट हमारी हिम्मत नहीं होती है वहाँ जाने की. तो वही चीज़ को सबको दिमाग में रख के मैं हर वीक ये भी ट्राई करता हूँ कि कोई एक ऐसा होटल में जाया जाए, वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया जाए एंड सबको बताया जाए. सो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हर वीक मैं वो भी लाने का ट्राई करूँगा. तो मिक्स हो जाएगा ना, तो एक जैसा होगा भी नहीं है. अगर आप में से किसी को मुझे घर पर बुलाना है तो प्लीज़ हमको बुलाइए. आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ पर आपके शूट करूँ. सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपसे मिलता हूँ अगले संडे. तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. कीप सब्सक्राइबिंग, हाँ भूलना मत, विद बेल आइकन प्रेस्ड. सो अभी के लिए हैप्पी संडे, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट.